विंटर का सीजन, मोर लाइक इंट्रोवर्ट्स का सीजन। आई मीन इंट्रोवर्ट्स को और क्या ही चाहिए, बंद कमरे के अंदर चादर के नीचे रहना, लोगों से मिलना मिलना भी नहीं और किसी टाइप का कोई झमेला नहीं, हैप्पी ऑन योर ओन। पर्सनली विंटर सीजन मेरा फेवरेट सीजन है, क्योंकि वैसे भी मैं तो 2-3 दिन में सिर्फ एक दिन ही नहाता हूँ, तो यू नो बहाना मिल जाता है कि ठंडी बहुत है, सो किसी और को कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती है, और वैसे प्रॉब्लम होनी भी नहीं चाहिए क्योंकि 7 दिन ना नहाओ बेबी मेरी मर्जी इसे कहते हैं। ओके, एक्चुअल विंटर कब होती है पता है? जब तुम सुबह सुबह फ्रेश होने जाते हो और सब कुछ हो जाने के बाद एक पॉइंट आता है कि सुबह के ठंडे ठंडे पानी से अपना पिछवाड़ा धोना होता है। तो भाई धोए कैसे? तो जब ऐसी सिचुएशन पैदा हो जाती है तो समझ लो कि ये है कड़ाके की ठंडी, एक्चुअल विंटर। वेल नाउ आई विल एक्सप्लेन कि मुझे विंटर क्यों पसंद है। फर्स्ट ऑफ ऑल जैकेट्स एंड स्वेटर्स, मुझे बड़ा कूल लगता है स्वेटर या जैकेट पहनना, भले ठंडे लगे या ना लगे। आई नो कुछ लोगों को नहीं पसंद स्वेटर एंड ऑल, वो अलग ही अपनी चौड़ में रहते हैं। ठंड अजी मेरा ठंड वंड कुछ नहीं होता, जिम जाओ तुसी, अब फाड़ दो बनियान एंड कुछ इम्प्रेस करने के चक्कर में लगे रहते हैं। बेटा स्वेटर तो पहन ले। नहीं माँ आज मुझे गर्मी लग रही है। इतनी ठंडी में सिर्फ यूनिफॉर्म लड़कियां तो इम्प्रेस है आज। ईव, इसकी नाक में से कुछ गंदा गंदा आ रहा है, ची। अरे स्वेटर नहीं है क्या बे गरीब? यू नो विंटर में फूड्स का टेस्ट भी इंक्रीज हो जाता है, स्पेशली भुट्टे और स्वीट पोटेटो। इमेजिन ठंडी के मौसम में घर के बाहर बढ़िया सा बॉनफायर लगा के हाथ सेक रहे हो और साथ में गर्मा गर्म भुट्टे और स्वीट पोटेटोज भी है खाने को। क्या तुम नहीं खाते क्या स्वीट पोटेटो भुट्टे? एंड यू नो सर्दियों में सुबह जल्दी उठने में एक मौत सी आती है। मैं तो वैसे भी लेजी हूँ, झूठ नहीं बोलूंगा, लेकिन विंटर मुझे और भी ज्यादा लेजी बनाता है। एंड इट्स ओके टू बी लेजी। जब मैं लेजी फील करता हूँ तो मैं खुद को ऐसे दिलासा देता हूँ कि कभी ना कभी ये बड़े लोग जैसे लियोनार्डो दा विंची, आइंस्टाइन, न्यूटन भी लेजी फील किए होंगे। अरे यार इस मोना डार्लिंग ने तो डिप्रेशन में डाल दिया है, बाहर में जाए, आज तो वेलो खेलूंगा। स्पाइक प्लांटेड। वैसे देखो मुझे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मुझे तो गर्मियों में भी जल्दी उठने में मौत आती है। कितना सही लगता है यार, मस्त कंबल ओढ़ के पड़े रहो, मोबाइल चलाओ, गर्मा गर्म एनीमे देखो। गर्मा गर्म एनीमे? हाँ तो यार चैनल पे हेंटाई तो नहीं बोल सकता ना। बीप साउंड इफेक्ट लगा देना। और ये पता नहीं विंटर में इतनी शादियां क्यों होती है। आई मीन आई नो व्हाई, मुझे कोई परेशानी नहीं है, मैं तो टाइम पे खाना ठूसने चला जाता हूँ। 2 हफ्ते पहले की बात है, मैं एक अमीर लोगों की शादी में गया था, वहाँ पे पिज्जा आइसक्रीम सब ठूसते गया और अपने दोस्तों को खाने की फोटो भेज के जलन लग गया। और वैसे जिसको भी पूछो तो बोलते शादी करो तो सर्दियों में करो वरना करो ही नहीं। भाई ये क्या चीज है? चॉकलेट वेफल सर। हाँ तो यहाँ पे दो रख दो। तुम्हें पता है जब मैं हॉस्टल में था तो विंटर में वहाँ पानी गर्म करने के लिए कोई हीटर, गीजर या गैस स्टोव ऐसा सब नहीं था, तो वहाँ के वार्डन ने एक बेस्ट ट्रिक बताई जिससे नहाते टाइम ठंड नहीं लगती थी। जिस पानी से नहा रहे हो उसमें से थोड़ा सा पानी मुंह में भरो और इसको 1 मिनट तक होल्ड करके रखो, इससे तुम्हारी बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा और ठंडा पानी तुम्हारी स्किन को ठंडा नहीं लगेगा। क्या बकवास ट्रिक थी भाई, घंटा कुछ नहीं होता, साले हीटर नहीं ला के दे सकते इसलिए क्या बना रहे थे बच्चों को, स्कैम कर रहे थे साले। यो गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी न्यू ईयर टू यू ऑल एंड थैंक यू फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट, आगे भी करते रहना। एंड वीडियो कैसी लगी, आई होप पसंद आई होगी, सो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय।